बायबैक करो हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन बायबैक करने के बाद बाहर वालों की सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। तो बेटे बेटे इसलिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट्स को ताला लगाना पड़ेगा, कसम खानी पड़ेगी कि हम इसमें से डिविडेंड नहीं देंगे। तो बेटे कसम खाने की एंट्री होगी, इसको हम क्या करेंगे अलग से एक पोटली में रख देंगे, जैसे डिबेंचर सिंकिंग फंड में रखते थे, एक रिजर्व बना देंगे और उसका कुछ पर्टिकुलर पर्पस होगा। तो बेटे हम एक सोर्स एंट्री पास कर रहे हैं, सुरक्षा एंट्री पास कर रहे हैं और करंट ईयर प्रॉफिट्स में से CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब एक बच्चा कहता क्या मतलब फर्क पड़ता है, एक जेब से निकाला दूसरे में, हाँ बेटे एक से निकाला दूसरे में, लेकिन बेटे दूसरे जेब से आप पैसे कुछ पर्पस के लिए ही निकाल सकते हो, मतलब बेटे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से आप डिविडेंड नहीं दे सकते, बेटे करंट ईयर प्रॉफिट से आप डिविडेंड दे सकते हो। तो हमने कसम खिलवा दी आपको कि आप करंट ईयर प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं दोगे, आप नहीं दोगे डिविडेंड, तो आप क्या करो मुझसे शादी करोगे, जैसे जैसे सलमान खान ने छोटी छोटी पोटलियां बनाई, ये पैसे इसके लिए, ये पैसे इसके लिए। तो बेटे आप एक पोटली बनाओ और उस पोटली का नाम रखो क्या, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और इस पोटली में आप उतने प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर दो, उतने प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर दो जितने आपने बाय बैक किए हुए, आराम से बेटे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब भी बायबैक हो आपको कुछ प्रॉफिट्स, कुछ नहीं उतने ही प्रॉफिट्स सीआरआर में डाल लिए। और एक बात और रह गई जो मेरे माइंड में भाई कि बेटे न्यू इशू कैन नॉट बी सोर्स एंट्री फॉर बायबैक, न्यू इशू कैन नॉट बी सोर्स एंट्री फॉर बायबैक। बेटे ये बड़ा इलॉजिकल है ना, आप नए शेयर इशू कर रहे हो और पुराने बायबैक कर रहे हो। तो बेटे ये बातों के साथ अब हम दो तीन क्वेश्चंस कर डालेंगे, अब हमें लॉजिक पता चल गए, एक घंटा हो गया बेटे बोलते बोलते। आइए पहला क्वेश्चन एक बार निकाल लें, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार निकाल लें, निकालिए जी पहला, बोलो भैया। पहला क्वेश्चन, द शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। Fully called up, besides its security premium account, shows a balance of 40,000 and general reserve of ₹7 lakhs. The company decides to buy back 30,000 equity shares. For this purpose, it utilizes the securities premium in full and general reserve to the extent necessary. आराम से बेटे, बेटे कोई जल्दी नहीं है, एक बार दोबारा पढ़िए क्योंकि मुझे अभी एक दो बातें और बतानी थी जो मैं भूल गया बताना, अभी बताऊंगा बेटा, क्वेश्चन के साथ साथ ही बताऊंगा। मैं भूपेश आनंद, बेटे फर्स्ट क्वेश्चन का वर्किंग नोट प्रिपेयर कर रहा हूं, और आपको कह रहा हूं कि
ये कंपनी है बीटा कंपनी, इसमें 1,00,000 इक्विटी शेयर्स है और बेटे 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स है। इक्विटी शेयर 10 रुपए के, प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए के। और बेटे इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000 रुपए का, जनरल रिजर्व 7,00,000 रुपए का है। और ये कंपनी बेटे कितने शेयर्स बाय बैक कर रही है, 30,000। किस रेट पे बेटे, 12 पे। तो बेटे 10 रुपए का शेयर है, आप बाय बैक कर रहे हैं 2 पे। वो तो बेटे मैंने बताया था ज्यादा भी होता है। तो सबसे पहला काम आपको चित्र बनाना चाहिए। बेटे चित्र बना लिया, आगे चलें। अब मैं आपको मेन क्वेश्चन की तरफ लेकर चल रहा हूं और जनरल एंट्रीज पास करेंगे। बेटे भले यहां पर जो जनरल एंट्रीज हैं वो कुछ अलग है, लेकिन मैं वही कराऊंगा जो मैंने अभी पीपीटी में कराई और आंसर सेम आएगा। पहली बात, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, बेटे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। लॉस ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर लायबिलिटी अकाउंट, बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल कन्वर्टेड टू शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। बेटे 30,000 शेयर्स हैं इंटू 10, 30,000 इंटू 2, 30,000 इंटू 12। बेटे 12 रुपए में कर रहे हैं ना 10 वाली चीज, तो ये नुकसान कौन सा है, कैपिटल नुकसान है बेटे, कैपिटल लॉस है। तो 3,60,000 और बेटे 3,60,000। सेकंड बेटे जो लायबिलिटी क्रिएट की है उसको पे कर देते हैं, इक्विटी शेयर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पेड, तीसरी एंट्री। बेटे ये जो लॉस है ना ये कैपिटल लॉस है बेटे, इसको राइट ऑफ कर रहे हैं। और बेटे राइट ऑफ कैसे होगा, बेटे कैपिटल प्रॉफिट से ही राइट ऑफ हो सकता है। तो मैंने आपको अभी लिखवाया था कैपिटल रिजर्व रिलाइज इन कैश, सिक्योरिटी प्रीमियम रिलाइज इन कैश। अब बेटे कैपिटल रिजर्व तो है नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम है 40,000 का, तो आप 40,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम से और बेटे 20,000 जनरल रिजर्व से ले सकते हैं। चलिए जी, तो मैं लिख रहा हूं सिक्योरिटीज प्रीमियम, पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे प्रेफरेंस वन, फिर अगर पैसे कम पड़ गए तो जनरल रिजर्व कर सकते हैं। वैसे हमें पहले कैपिटल रिजर्व करना चाहिए रिलाइज इन कैश, अभी मतलब समझाऊंगा, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिलाइज इन कैश, फिर जनरल रिजर्व। तो बेटे उसी तरह से चल रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट जनरल रिजर्व डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ताला एंट्री, टू लॉस ऑन बायबैक, ताला नहीं बेटे, सॉरी मेरी गलती है बेटे, हद कर दी ना बेटे। लो मैं दोबारा दूसरे पेज में कर देता हूं, बस मेरी गलती थी बेटे, एंट्री वही थी, मैंने बोल आखिरी में कुछ छोड़ दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट
जनरल रिजर्व डेबिट टू लॉस ओन बाय बैक। लो जी 40, 20, 60 बीइंग लॉस ओन बाय बैक रिटर्न ऑफ लो सर। अब बेटे लास्ट में है सोर्स एंट्री, सोर्स एंट्री या आप कह दें ताला एंट्री। लो जी तो ताला एंट्री में बेटे जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस यूज करते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 3 लाख बीइंग रेवेन्यू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू सीआरआर। या ऐसा समझ लें कसम वाली एंट्री कि हम कसम खाते हैं कि हम इसमें से डिविडेंड नहीं देंगे। या सुरक्षा एंट्री बेटे क्वेश्चन करने को तो हो भी सकते थे, अभी तक खत्म हो जाते हैं बेटे 5 तो है 2 घंटे होने वाले हैं। मैं बेटे कंसेप्ट्स और फर्स्ट क्वेश्चन पे ही पहुंचा बेटे, ये प्यार है। आइए जी क्वेश्चन टू में आ जाइए। आइए जी क्वेश्चन टू। लो बेटे लो बेटा बेटे क्वेश्चन टू में लिखा हुआ है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ दिव्या पेंट्स। आप ही की स्टडी की इलस्ट्रेशन 16 था बेटे, अगले पेज में लिखा है शेयर कैपिटल रिजर्व नॉन करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। ठीक है जी शेयर कैपिटल 30 लाख की है, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल नॉन करेंट वगैरह वगैरह। आप चेक करिए जी नीचे लिखा हुआ है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, जो ऊपर 30 लाख है वो बता रहे हैं जी 3 लाख शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से। रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखा हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरल रिजर्व लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और टेंजिबल फिक्स एसेट्स। आराम से बेटे आराम से ऑन 1st अप्रैल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ बायबैक। अंडरलाइन कर दीजिए बायबैक की स्कीम को अप्रूव कर दिया। 15% ऑफ इक्विटी शेयर्स विल बी बॉट बैक एट रुपीज 18। जनरल रिजर्व को आप बेटा यूज कर सकते हैं क्योंकि करंट ईयर प्रॉफिट्स होंगे तभी बायबैक कर सकते हैं। तो सोर्स एंट्री प्रीमियम वो तो हमें पता ही है बेटा, लॉस ऑन बायबैक को हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बायबैक। आराम से बेटे बहुत बढ़िया हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये कर लिया तो समझ लीजिए अगला क्वेश्चन थर्ड भी और फोर्थ भी हो सकता है। तो मैं इस क्वेश्चन को भरपूर बढ़िया तरह से करा दूंगा, बैलेंस शीट भी बनवा दूंगा। तो फिर अगला क्वेश्चन वो भी आप ही की स्टडी की इलस्ट्रेशन है, आराम से फिर आप घर में कर सकते हैं, मैं नहीं करूंगा। तो थर्ड और फोर्थ होमवर्क में दे दूंगा, क्वेश्चन टू ईमानदारी से करने जा रहे हैं। तो चलिए जी हम सभी लास्ट क्वेश्चन की तरफ, मेरी तरफ से जो है सेकंड करने जा रहा हूं। तो मैं पहले चित्र बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 1। बेटे कंपनी का नाम है दिव्या और बेटे शेयर्स कितने 3 लाख शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 30 लाख। तो बेटे इसमें से 15% तो बताइए जी बॉट बैक कितने 15 45,000
एट द रेट ऑफ 18। एक बच्चा कहता है उल्टी पोटली का मतलब, हाँ बेटे रिडेम्पशन हो, रीपेमेंट हो, बायबैक हो, मैं उल्टी पोटली बनाता हूं। पोटली गिर गई, सॉफ्टी गिर गई, आइसक्रीम पड़ी है नीचे, मैकडॉनल्ड्स सॉफ्टी गिर गई, सॉफ्टी गिर गई, आइसक्रीम नीचे है। और बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 5,05,000। और बेटे जनरल स्टॉक कितना है? 7,00,000। और बेटे इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं। एक बच्चा कहता सर ये जो चित्र बनाते हैं ना इतना अच्छा लगता है कि सारी बातें ना समझ आ जाती है। अच्छी बात है बेटे, मुझे तो खुशी है, आप भी यही आदत डालो। लॉजिक कंसेप्ट में मैं 90% ध्यान दे रहा हूं बेटे, चित्र बनाने में ध्यान दे रहा हूं बेटे। मैं मछली नहीं खाने को दे रहा, मछली कैसे पकड़ते हैं वो बता रहा हूं, क्योंकि मुझे प्यार है आपसे। आओ आओ लिखे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिव्या। बेटे दिव्या की किताबों में एंट्रीज कर रहे हैं। पहली एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, लॉस ऑन बाय बैक डेबिट टू इक्विटी शेयर लायबिलिटी बी इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 45,000 इक्विटी शेयर्स कन्वर्टेड into short term liability। बेटे 45,000 ₹10 के कैपिटल है, ₹8 का बेटे वो है, आप चेक करिए तो 3,60,000 रुपए तो लॉस ऑन बायबैक हो गया और 4,50 ये हो गया। तो बेटे ये आ रहे हैं जी 8,10,000 आराम से। मैं रुकी हूं, मैं उन्हीं लॉजिक से उन्हीं एंट्री से चलूंगा जो मैंने पीपीटी के थ्रू बताई है। तो पहली एंट्री हो गई, अब लॉस ऑन बायबैक को राइट ऑफ करना है तो सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर सकते हैं, हमारे पास बैलेंस है ही, तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू लॉस ऑन बायबैक। लो जी 3,60,000 है और हमारे पास बैलेंस कितना पड़ा है 5,500 यूज कर सकते हैं। 3,60,000 लिखिए जी बी सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज्ड फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन बायबैक। बेटे सोर्स एंट्री, जब भी बायबैक करें सुरक्षा एंट्री, सोर्स एंट्री, कसम वाली एंट्री, ताले वाली एंट्री यूज करनी है बेटे। जनरल रिजर्व टू सीआरआर। तो बेटे 4,50,000 रुपए आप कसम खाइए कि आप डिविडेंड नहीं देंगे और 7,00,000 है हमारे पास। लिखिए जी बी सेक्शन 68-70 प्रोविजंस कंप्लाइड। लो बेटे अब बेटे पेमेंट कर दो। बेटे एंट्री सिंपल थी, लॉजिक्स इंपॉर्टेंट थे। टू बैंक इक्विटी शेयर लायबिलिटी टू बैंक, तो बेटे 8,10,000 की पेमेंट कर दो। बी शेयर्स बॉट बैक एंड पेड और पे कर दिया। लो जी अब बेटे अगर बैलेंस शीट पूछ रहा हूं ना तो समझदार बच्चे पता क्या होते हैं, क्वेश्चन को सामने रखते हैं, उसकी बैलेंस शीट को सामने रखते हैं, पहले मेन मेन आइटम जो बैलेंस शीट के लिखते जाते हैं, अमाउंट नहीं लिखते। तो बेटे एक सेकंड में काम हो जाता है। तो मैं लिख रहा हूं जी इक्विटी एंड लायबिलिटीज
ये करंट ईयर है, यहां पे आ रहा हूं जी शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा मैं बैलेंस शीट अपने सामने रख रहा हूं, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर है बेटे नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फिर है बेटे करंट लायबिलिटीज, और फिर है बेटे एसेट्स, और इसमें बेटे नॉन करंट एसेट्स, और फिर बेटे करंट एसेट्स। आराम से तो बेटे आइए, पहली चीज इक्विटी शेयर कैपिटल है बेटे 30 लाख रुपए की, हमने 4.50 की इसमें से बायबैक कर ली, तो कितने लिखेंगे 30 माइनस 4.50 25 लाख 50 हजार। बेटे 30 लाख में से 4.5 बायबैक कर लिए, तो आप जब अमाउंट लिख रहे हो ना तो वो चार एंट्रीज का इफेक्ट लेना बस, और कुछ नहीं, पुरानी बैलेंस शीट प्लस चार एंट्रीज का इफेक्ट इज इक्वल टू नई बैलेंस शीट। बेटे पुरानी बैलेंस शीट प्लस इफेक्ट ऑफ 4 जनरल एंट्रीज इज इक्वल टू न्यू बैलेंस शीट। ये लीजिए, ये लीजिए। तो बेटे पुरानी बैलेंस शीट मैंने बना दी, अब एंट्री का इफेक्ट ले रहे हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस इसका अलग से नोट बना देते हैं, वर्किंग नोट टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम 5,05,000। बेटे माइनस हमने एंट्री टू से इसमें 360 यूज किया था, तो 360 लेस कर देंगे। जनरल रिजर्व 7,00,000, तो बेटे हमने चार पचास यूज किया था, तो 4.50 लेस कर देंगे। आप बैलेंस निकाल लीजिए, आप समझ रहे हैं ना किस तरह से मैं इफेक्ट ले रहा हूं। बेटे 395, अब आप देखिए, आप देखिए पहली एंट्री कैपिटल मैंने कर दी, लॉस को वैसे राइट ऑफ कर दिया, लायबिलिटी वैसी हो गई, सिक्योरिटी प्रीमियम लेस कर दिया, लॉस वहां से राइट ऑफ होगा, जनरल रिजर्व कर दिया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व मुझे बनाना चाहिए था, तो मैं उसको अलग से लिख रहा हूं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 4.50। चलिए जी 14% डिबेंचर्स, इसका तो कुछ पंगा ही नहीं किया हमने, ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटीज में आ जाइए, इसका भी कुछ नहीं किया, साढ़े चार। अब आ जाइए एसेट्स में, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बेटे 33,30,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बेची तो नहीं, मेरे को लग रहा मैंने बेची नहीं थी और भूल गया, 4,00,000 की बेची बेटे, तो एक एंट्री हम भूल गए, कोई बात नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस, बेटे 4 की बेच दी, देखा अपने आप कैसे दिमाग में आता है, तो इसी तरह से करेंगे तो आपको भी कभी गलती होगी तो
पता चल जाएगा 4 लाख और 370 की थी तो 30,000 का प्रॉफिट हो गया। तो 30,000 का प्रॉफिट भी यहां पर ऐड करना चाहिए, तो कोई बात नहीं, पर इकट्ठा भी कर सकते थे, मैंने ऐसे ही कर दिया तो कोई बात नहीं, ये रिजल्ट है इसका, वर्किंग इन्होंने बनाया है उसी में टोटल करके लिख दे, कोई बात नहीं मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं दिखाएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट थोड़ी आएगा। उसके बाद बेटे इन्वेंटरीज 12 लाख, इसमें कोई चेंज नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स 6,90,000, इसमें कोई चेंज नहीं है। बेटे कैश का बैलेंस निकालना पड़ेगा तो वर्किंग नोट बना लेते, कैश बुक बना लेते। डेबिट बैलेंस है 5,75,000। आप चेक करिए जी मैंने कौन कौन सी पोस्टिंग की, इसमें बैंक नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, 8-10 पे किया और 4-10-4 आया, 8-10 पे किया और 4 लाख आ गया। लो जी बैलेंस निकाल लो, एक 63, तो 1,65 मैं यहां पे लिख रहा हूं, टोटल करते हैं जी, 33-30 प्लस 12 प्लस 6,90 1,65 बेटे 53 लाख, यही आंसर है जी मेरे को लग रहा है 53-85 33-30 12 5,90 डेटर्स है 1,65। तो बेटे डेटर्स, अच्छा 5,90 कह रही मेरी गलती, तो 52-85 बेटे डेटर्स 5,90,000 की है। अब आप चेक करिए जी यहां पे भी सेम आ रहा है क्या, 52-85 25,50 प्लस 30,000 प्लस 395 प्लस 4,50 प्लस 14 लाख, प्लस 450 8,75 ये भी ठीक है जी 14 लाख और 4,50 टोटल कर लीजिए 25,50,000 30,000 395 450 14 लाख प्लस 4,50 तो बेटे आ गया 460 है जी, ये भी मैंने गलत लिखा यहां से, सर मेरी गलती है बेटे। अब दिख रहा है आपको कि किस तरह से हम जब लाइव करते हैं तो कहां कहां मिस्टेक हो सकती है। तो बेटे आप प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बाय बैक करके जाना है, लॉजिक्स बता दिए, कंसेप्ट बता दिए, आप प्लीज करके जाएं। एक क्वेश्चन और करना है थर्ड आपने घर में, फोर्थ भले ना करें कोई बात नहीं। तो बेटे इन्हीं बातों के साथ आज मैं यहीं पर रोक रहा हूं, बी हैप्पी, be jolly.
बीच ऑफ